दोस्तों अगर आप भी ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बिल यंग, कप्तान लेथम और फिलिप्स की तूफानी पारी के बाद आया ट्रेंट बोल्ट का कोहराम। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया जहां बिल यंग, कप्तान लेथम और फिलिप्स की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी खतरनाक खौफनाक गेंदबाजी से इस कदर तहलका मचाया जिसके सामने अफगानिस्तान की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी के चलते अफगानिस्तान की टीम चारों खाने चित हुई, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की टीम की इस मैच में जीत के हीरो कौन रहे, विल यंग, कप्तान लेथम, ट्रेंट बोल्ट या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 16वां मैच आज अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जहां पर इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जो गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड ने 288 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। आपको बता दें इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम एक और अफगानिस्तान की टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरी जहां पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए बिल यंग और डेवॉन कॉनवे मैदान पर आए जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में एक रन के स्कोर पर यंग का आसान सा कैच रहमत शाह ने छोड़ दिया जिसका नुकसान अफगानिस्तान की टीम को भुगतना पड़ा। इस दौरान 7 ओवर में मुजीबुर रहमान ने 30 रन की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ अफगानिस्तान की टीम को पहली सफलता दिला दी। इस दौरान डेवॉन कॉनवे 18 गेंद पर 3 चौके की मदद से 20 रन बनाने के बाद मुजीब उर रहमान की गेंद पर LBW आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र मैदान पर आए जिन्होंने यंग के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान पावर प्ले में 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की टीम ने बना दिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर टीम को संभाला लेकिन इसी बीच 21 ओवर में अजमतुल्ला ने महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया जहां पर उन्होंने पहले रविंद्र को 41 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड किया और इसी ओवर में बिल यंग को अर्धशतक लगाने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर 64 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 54 रन बनाने के बाद इकराम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान टॉम लेथम और डैरिल मिचेल मैदान पर आए लेकिन आज डैरिल मिचेल का भी बल्ला नहीं चल सका जहां पर राशिद खान ने 7 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद मिचेल को इब्राहिम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। इस दौरान 110 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान लेथम और फिलिप्स ने मिलकर टीम को संभाला और 144 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की जहां पर 43 ओवर में फिलिप्स और 46 ओवर में कप्तान लेथम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 48 ओवर में नवीन उल हक ने महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट किया जहां पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी फिलिप्स को 80 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 78 रन बनाने के बाद राशिद खान के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने चैपमैन मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान लेथम भी 74 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 68 रन बनाने के बाद इसी ओवर में नवीन के सामने क्लीन बोल्ड हो गए जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर मैदान पर आए जहां पर मिचेल सेंटनर ने 5 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 7 रन की नाबाद पारी खेली तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे चैंपियन 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन की नाबाद पारी खेल पाए जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम ने 288 रन 6 विकेट के नुकसान पर बने। इस दौरान नवीन और अजमतुल्ला ने 2-2 विकेट हासिल किए तो वहीं मुजीब उर रहमान और राशिद खान को 1-1 सफलता प्राप्त हुई। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही अफगानिस्तान की टीम मैदान पर आई तो अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत रहमतुल्ला गुरबाज और इब्राहिम की सलामी जोड़ी ने की जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 27 रन की ओपनिंग साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 6 ओवर में मैट हेनरी ने रहमतुल्ला गुरबाज को 21 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने रहमत शाह आए तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे इब्राहिम 15 गेंद पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर 7 ओवर में सेंटनर के हाथों कैच आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हजमतुल्ला शहीदी मैदान पर आए। इस दौरान पावर प्ले में 28 अफगानिस्तानी टीम ने बनाए लेकिन इसी बीच 14 ओवर में कप्तान शहीदी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर सेंटनर के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट हो गए। इस दौरान कप्तान शाहिदी ने 29 गेंद पर 1 चौके की मदद से मात्र 8 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्ला मैदान पर आए जिन्होंने रहमत शाह के साथ मिलकर टीम को संभाला। लेकिन इसी बीच 26 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अफगानिस्तान को 14 झटका दे दिया जहां पर उन्होंने बल्लेबाज अजमतुल्ला को 32 गेंद पर 2 चौके की मदद से 27 रन बनाने के बाद लेथम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इकराम मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे रहमत शाह को 29 ओवर में रविंद्र ने 62 गेंद पर 1 चौके की मदद से 36 रन बनाने के बाद कॉटन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नबी मैदान पर आए जिन्होंने इकराम के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस दौरान 30 ओवर में समाप्ति तक अफगानिस्तान की टीम ने लड़खड़ाते हुए 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान इकराम जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अभी पहुंच रहे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद नबी भी अपने अर्धशतक लगाने के प्रयास में लगे हुए थे।
ऐसे में जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देख लग रहा है कि इस मैच को न्यूजीलैंड आसानी से जीत लेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के बाद दुनिया के तमाम दिग्गजों ने दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद दुनिया के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है। ब्रैंडन मैगलम, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने न्यूजीलैंड की जीत के बाद एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की जीत के बाद दुनिया के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केन विलियमसन और विराट कोहली में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर चेन्नई के मैदान पर खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 रन 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बना दिया और उसका पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद न्यूजीलैंड की जीत के साथ दुनिया के तमाम दिग्गजों का सनसनी मचा देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें ब्रैंडन मैकुलम ने बयान देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में हमारी टीम को आसानी से जीत मिली है, जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी आईसीसी टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिसका फायदा आज हमें मिल गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम की जीत के बाद अब सभी टीम को हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर अब हमारी टीम ने और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया तो किसी भी टीम का जीत दर्ज कर पाना मुश्किल है, और इसी के चलते अब हमारी टीम वर्ल्ड कप को भी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली है, जिससे हर कोई चिंता में आ गया है, क्योंकि सभी को मालूम है वर्ल्ड कप हो या कोई भी आईसीसी का इवेंट हो, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती है। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में जीत के साथ सभी को बता दिया है कि इस समय उनको हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अगर आगे भी न्यूजीलैंड ऐसे प्रदर्शन करता रहा तो फाइनल में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का मैच होगा और फाइनल को न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम करेगी। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने बता दिया है कि इस समय उसको कमजोर समझना सभी की बड़ी भूल होने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम को किसी भी दिग्गज खिलाड़ी ने टॉप 4 में शामिल नहीं किया था, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से न्यूजीलैंड खेल रहा है उसे देख लग रहा है कि न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अब इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ न्यूजीलैंड ने बता दिया है कि उसकी इस समय हराना किसी भी टीम के लिए आसान कार्य नहीं होगा, ऐसे में सभी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो करी है, लेकिन सबसे बेहतरीन फील्डिंग की है, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम ने इस मैच में काफी खराब फील्डिंग की, जिसके चलते उनका नुकसान हुआ, लेकिन यहां न्यूजीलैंड ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए सभी को प्रभावित किया और मैच को अपने नाम किया है। ऐसे में मेरे अनुसार तो इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन फील्डिंग के कारण मैच जीती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दिया भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने जीत के बाद बयान जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने जीत के बाद भारत को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर करोड़ों देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम की जीत के बाद केन विलियमसन ने भारत को लेकर क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन ने में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 रन 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बना दिए और उसका पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन का भारत पर दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें केन विलियमसन ने बयान देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में हमारी टीम ने आसानी से जीत हासिल की है। हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बता दिया है कि हमारी टीम को इस समय कमजोर समझना काफी बड़ी गलती सभी साबित हो सकती है, क्योंकि हमारी टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं शायद वो किसी और टीम के पास ना हो। हमारी टीम ने हमेशा से आईसीसी इवेंट में सभी को प्रभावित किया है। हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है और इस वर्ल्ड कप में भी हमने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में अब हमसे बचकर आने वाले मैच में सभी टीम तैयार हो जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में
हमारी टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि बीच में हमारी टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन फिलिप्स और लैथम ने जिस प्रकार से टीम को संभाला उसकी तारीफ होनी चाहिए। साथ में यंग और रविंद्र ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और अंत में दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से टीम को समापन की तरफ ले जाने का कार्य किया उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी टीम की गेंदबाजी भी काफी ज्यादा बेहतरीन रही है। हमारी टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है और अफगानिस्तान की मजबूत टीम को आसानी से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम की जीत से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारी टीम को कमजोर समझना सभी के लिए काफी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है।